हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। टुडे इज 26th of January। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। सो टुडे इज़ अ स्पेशल डे, तो आज का ब्लॉग भी स्पेशल है। अभी मैं हूँ कलेक्ट्रेट ऑफिस में और आई गॉट अ चांस आज का पूरा इवेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है वो मैं देख पाऊँगा, तो मैं सोचा इसको ब्लॉग बनाए और आपको भी दिखाए। तो ये ब्लॉग बहुत स्पेशल है, तो इस पर बने रहिए। मैं आपको बताऊँगा आज का इवेंट कैसे कैसे होता है और पूरे अच्छे तरीके से दिखाऊँगा। हम लोग जा रहे हैं खगड़ा स्टेडियम सर लोग के साथ। सर का वेट कर रहे हैं और चलते हैं खगड़ा स्टेडियम। यहाँ पे तो झंडोत्तोलन सारा हो गया, अब वहाँ पे जाके देखते हैं आज का इवेंट क्या क्या होने वाला है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 7 प्लाटून परेड निरीक्षण के लिए तैयार है। निरीक्षण के लिए आज्ञा लेते हुए और जिला पदाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश, पुलिस अधीक्षक के इस पावन धरती पर अवतरित होने वाले और अपनी विद्वता एवं साहित्यों के माध्यम से ज्ञान का बीज डालने वाले सभी महान शिल्पकारों को मेरा नमन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 1.25 लाख किसानों को 8.5 करोड़ से ज्यादा की राशि का लाभ प्राप्त हुआ है। अंत में मैं आप सभी से उम्मीद करना चाहता हूं कि कोरोना जैसी महामारी में आप सजग रहें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, यथासंभव आपस में पर्याप्त दूरी बनाए रखें, कोरोना से बचाव के सारे उपाय अपनाएं। हमें उम्मीद है जल्द ही हमारे जिले में सभी लोगों को कोविड-19 टीकाकरण का लाभ प्राप्त होगा। मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि जिले की चौमुखी विकास के लिए आपका आवश्यक सहयोग, समर्थन एवं भागीदारी सदा बना रहेगा। मैं समस्त जिलावासियों को एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। आइए हम सब मिलकर अपने संकल्प को जय हिंद की घोषणा से बुलंद करें। जय हिंद।
26 जनवरी के अवसर पर मैं तमाम किशनगंज वासियों को शुभकामना देता हूं और आज के दिन देश के प्रति सभी लोग जागरूक हों और अपने अपने तरीके से देश के प्रगति में योगदान करें। सिर्फ सेना में लड़ने वाले जवान ही नहीं देशभक्त हो सकते, हम लोग भी देशभक्त हो सकते हैं। जो अपनी ड्यूटी अच्छे से करें सभी पूरे देश की प्रगति में योगदान दें, सभी हम लोग देशभक्त हो सकते हैं। 26 जनवरी को आज हमारा यही संदेश है, आप सभी लोग मिलकर के आएँ और एक देश को, हम लोग भारत को उन्नत बनाएं। थैंक यू। आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे। ये भी मेरा पहला टाइम है, अभी तक ये समझ में आया कि जितने भी इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स है सब जगह डीएम सर, एसपी सर जाते हैं झंडा फहराने के लिए। तो अभी हम लोग हैं एसडीएम ऑफिस में और इसके बाद हम लोग चलेंगे पुलिस लाइन, एक दो जगह और है तो वहाँ भी करेंगे, उसके बाद ये ब्लॉग को एंड करेंगे। तो कमेंट में बताओ आप लोगों को ये ब्लॉग अभी तक कैसा लग रहा है। मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है तो काफ़ी जगह नए नए डिपार्टमेंट भी मैं आज देख पाया, मैं कभी गया नहीं था वहाँ, तो मज़ा आ रहा है मेरे को और पूरा वो देशभक्ति वाला फील आ रहा है। सो राइट नाउ आई एम इन पुलिस लाइन। बहुत ही डिसिप्लिन से ये लोग 4 बटालियन परेड कर रहे हैं। पुलिस लाइन में उपस्थित किशनगंज के डीएम साहब, एसडीपीओ साहब, डीएसपी हेडक्वार्टर, यहाँ उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारीगण, पुलिस के कर्मियों, परेड के कमांडर शशिभूषण जी, सेकेंड इन कमांड, सभी टुकड़ियों के कमांडर और यहाँ पर दर्शक दीर्घा में मौजूद प्यारे बच्चों, आप सभी को देश के 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑलमोस्ट हम लोग एंड पार्ट में आ चुके हैं, अभी मैं फिर से रेसिडेंट में हूँ, डीएम रेसिडेंस में। यहाँ पे कुछ है प्रोग्राम आई गेस, तो फिर इसके बाद इस ब्लॉक को एंड करते हैं। तो काफ़ी जगह आज घूमने का मौका मिल गया अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो आई होप आपको भी पसंद आ रहा होगा, मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस था ये। देखते हैं आगे क्या होता है, फिर इस ब्लॉक को एंड करेंगे।
अभी हम लोग हैं सदर अस्पताल में, शायद ये आज का लास्ट प्रोग्राम है, इवेंट है जहाँ पे हम लोग हैं। यहाँ पे एक नया इनोग्रेशन हुआ जो आपने देखा अभी, नया डिजिटल एक्सरे का, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब आगे देखते क्या होता है, आई थिंक ये लास्ट है बट आई डोंट नो, शायद इसके बाद ही ब्लॉग एंड करेंगे, तो देखते हैं। किशनगंज में रेडियोलॉजिकल हम लोग एडवांटेजेस अपने पेशेंट्स को देने के लिए, पहले तो सीटी स्कैन का यहाँ पे पीपीपी पॉइंट पे हम लोगों ने स्टार्ट करवाया है, अभी डिजिटल एक्सरे का सारा लॉजिस्टिक्स का पूरा करते हुए यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। एडवांटेज इससे यही होगा कि इमीडिएटली फिल्म्स मिल जाएंगी लोगों को कम रेट पे, फ़िलहाल तो ये फ्री सुविधा रहेगी। और सिमिलर जो हमारा ये एक्सरे है डिजिटल एक्सरे का, वो हम लोग जो है 3-4 PHCs में भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ताकि लोगों को किशनगंज आना नहीं पड़े बेसिक इन्वेस्टिगेशंस एक्सरे वगैरह कराने के लिए। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि डायलिसिस सेंटर हम लोग अगले मंथ तक हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर दें, और उसके अगले मंथ हम लोग यहाँ पे ICU स्टार्ट कर दें, फुल फ्लेज्ड ICU। ऑल राइट, तो अब हम पहुंच चुके हैं DM आवास में फिर से, तो आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। आज मुझे रियलाइज़ हुआ IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर को ये सब डेज़ में इतने मेहनत करने पड़ते हैं। मुझे लगा था बस एक दो जगह इनोग्रेशन होगा, लेकिन ऑलमोस्ट मुझे याद भी नहीं है, लेकिन 10-12 जगह में हम लोग गए झंडा उत्तोलन करने के लिए, तो मुझे भी काफ़ी मज़ा आया, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो आई होप आपको भी ये ब्लॉग पसंद आया होगा, मिलता हूँ मैं जल्दी आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, और Once again, Happy Republic Day!